और क्या क्या मैनेजमेंट करना है पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, पहले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में फर्स्ट वीक के मैनेजमेंट की पूरा डिटेल्स बताया हूँ। साथ में पोल्ट्री फार्म में नेचुरल फीड का यूज कैसे करना है वो भी मैं बताया हूँ। तो फर्स्ट वीक में जो बीमारी आती है वो जानना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखे भाई। और इस वीडियो में बताऊँगा सेकेंड वीक की मैनेजमेंट, सेकेंड वीक की क्या मैनेजमेंट करना होता है। तो फर्स्ट वीक की मैनेजमेंट देख ले, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो देख ले पहले। सेकेंड वीक की मैनेजमेंट, सेकेंड वीक में सबसे अहम बात जो है नीचे जाना, टेम्परेचर नहीं होता है तो अंदर के टेम्परेचर 35 आ गया तो समझो, और नहीं ये मानो ना मानो पहले आप फार्म में देख लीजिए एक बार करके, क्योंकि मैं जो करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। तो सनलाइट देने के बाद आप चाहे पहले देखे फार्म में विजिट करके मुर्गो ठीक है कि नहीं, जैसे एक बार भाग दौड़ पूरे राउंड मारेगी मुर्गी अंदर में भागेगी दौड़ करेगी तो बीमारी आपको दिखेगा, ताकि जग वगैरह भी बीमारी जो आती है वो भी हट जाएगी। साथ में आपको पता चल जाएगा बीमारी इन्फेक्टेड है कि नहीं, बीमार इन्फेक्टेड है कि नहीं, वीक है कि नहीं बार्ड। और जैसे ही आपको दिखे कि बार्ड वीक है, एक एक चाहे एक भी हो क्यों ना, एक है चाहे दो है चाहे तीन है, इसमें कुछ नहीं, जैसे दिखे आपको बार्ड वीक है मतलब उसको साइड में करना होगा, फार्म के अंदर हो चाहे और साइड में आप एक लेब रूम बना लीजिए, मेडिसिन रूम जहाँ पे आप उसका मेडिसिन का यूज करें। नहीं तो क्या होता है बार बार एक ही मेडिसिन यूज करते हो एक ही जगह में, तो इन्फेक्शन डिजीज जब आती है, मानो कि बैक्टीरिया वायरस, ये इन्फेक्शन डिजीज एक के बाद एक के आएगा। जैसे पानी पी रहा है, मानो ड्रिंकर में एक साथ पानी पी रहा है, तो क्या होता है उसका पानी जब पिएगा तो वो तो बैक्टीरिया में पानी भी अटैक हो जाता है, तो पानी जब बैक्टीरिया भरपूर हो जाता है तो जैसे फिर इंटेक करेगा और पानी इंटेक करेगा तो उसमें बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है। तो बॉडी में जैसे बैक्टीरिया जाता है क्या करती है, इसकी इम्यून सिस्टम को हटा देती है। साथ में जिसमें आपका मेडिसिन छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, लगभग 8 घंटा में पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, 8 से 12 घंटों में। जिस मुर्गे का इम्यूनिटी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तक लड़ लेती है बीमारी से, और जिसका वीक न होता है इम्यूनिटी वीक, वो तो तुरंत तुरंत इन्फेक्टेड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, हजार लाखों करोड़ों तक कि आपका पानी में बह जाएगा। चुटकी चुटकी है, चुटकी नहीं। मोर्टालिटी स्टार्ट है क्योंकि फार्म में एक ही साथ मुर्गियाँ आता है बाजार में, ठीक है। सर्दी का प्रॉब्लम आ जाता है, सर्दी सीआरडी, सर्दी के बाद ही आता है सीआरडी। तो सर्दी के लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाई हूँ ऑलरेडी, अच्छे अच्छे वीडियो, तो वीडियो देख लेते तो आपको यह दिक्कत नहीं आती होगी, नहीं आएगी फिर से। तो सर्दी का बीमारी आता है तो ये करें, और सनलाइट, फ्रेश सनलाइट दीजिए। और लिवर की प्रॉब्लम होती है इस टाइम, सेकेंड वीक में सबसे बड़ी दिक्कत होती है लिवर। मुर्गियाँ ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है, इस टाइम ग्रोथ ज़्यादा होती है 10 डे के बाद, तो उस टाइम क्या मुर्गियाँ फीड इंटेक भी ज़्यादा करती है, इसके कारण बीमार होती है। तो फीड प्रॉपर दें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। साथ में सुबह सुबह आपको नेचर भी जैसे कि एलोवेरा, नीम के पत्ते, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेचुरल फीड आप दे, सब्जी सब्जी को आप भी करना, इस्तेमाल सही से करें, क्योंकि खाने के ऊपर डिपेंड करके बीमारी आती है, ये बात जरूर ध्यान रखें। मेडिसिन ज़्यादा यूज करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेडिसिन अपना काम करेगा, उसमें मोर्टालिटी भी होगा और प्रॉब्लम भी होगा। तो सही से आप हम करें तो सनलाइट देना है, सेकेंड वीक में प्रॉपर सनलाइट देना है। साथ में भूसी का मैनेजमेंट करें, भूसी धीरे धीरे क्या होता है गीला होना स्टार्ट हो जाता है, तो गीला होएगा तो क्या होगा एमोनिया जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो एमोनिया ना जमे इसके लिए आप चूने का स्प्रे करें, चूने का स्प्रे नहीं तो आप जहाँ पे ज़्यादा भूसी गीला है वहाँ पे थोड़ा चूना छिड़क देना है, इसमें बैक्टीरिया भी हट जाती है और कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं नीचे, तो चूने का स्प्रे करें, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो कर सकते हो आप। साथ में जैसे मानो कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा है तो फैन की व्यवस्था करें, और 1000 वाट के लिए 2 फैन काफ़ी है, तो ये जरूर यूज करें फैन भी। और कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे कमांड में ज़रूर जाना ही, मैं उसकी प्रॉब्लम आपको बता दूंगा किसके कारण आप गलती कर रहे हो और किसके कारण आपकी डेथ हो रहा है, कमांड में ज़रूर पूछें। मैं सपन महतो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैं दोस्तों ऐसे ही
एनिमल और बर्ड की रिलेटेड वीडियो लाया करता हूँ। जो आप डॉग लवर है, काउ लवर है, फार्म लवर है, तो एनी एनिमल लवर है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।